नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि उपलब्धि यहां पर यह है कि योगी कैबिनेट की आज बैठक हुई और बैठक में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। वो प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण शहर में भी अब कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होगी। अगर हम कमिश्नरी व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले 13 जनवरी 2020 यानी कोरोना के समय की बात, यानी कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय, मार्च में लॉकडाउन लगा था, उसके पहले 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ और नोएडा में 2 जगह कमिश्नरेट की व्यवस्था शुरू की गई थी, पुलिस कमिश्नरेट। उसके बाद उसके ठीक एक साल बाद 26 मार्च 2021 को 2 जिलों में और लगी, यानी बनारस और कानपुर। और अब यानी आज 25 नवंबर 2022, लगभग 1.5 साल बाद फिर एक व्यापक कदम, बेहतर फैसला और सुनियोजित पहल आगरा, गाजियाबाद के साथ साथ प्रयागराज, आध्यात्मिक केंद्र प्रयागराज में भी कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होगी। बेहतर पहल है, क्योंकि जिस तरह से निवेश का योगी मॉडल को लाया जा रहा है, 10 लाख करोड़ की निवेश की बात कही जा रही है और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने की चर्चाएं चल रही है, जिसके लिए एक समय भी निश्चित कर लिया गया है, 10 से 12 फरवरी यानी 3 दिन ग्लोबल समिट। लोगो भी लॉन्च हो गया है और लॉन्च हो गया है उसके लिए पोर्टल भी निवेश सारथी के नाम से। और जानकारी मुताबिक निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 12 से 16 मंत्री विदेश दौरे पर जाएंगे और उन विदेश दौरे पर जाकर निवेश की बात कहेंगे। और जब निवेश की चर्चा होती है तो वहां पर कानून व्यवस्था के लिए भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और शायद इसको देखते हुए यहां पर आज जो बैठक हुई है उसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उस फैसले पर मोहर लग गई है। लखनऊ, कानपुर, बनारस और नोएडा के बाद अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी कमिश्नरेट शुरू हो जाएगी। पर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यहां यह भी है कि 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा 2 जगह लागू हुई, क्या समीक्षा हुई, कितना बेहतर परिणाम आए और किस तरह अपराध को कंट्रोल किया गया। सरकार के मुताबिक जो छुटपुट अपराध है वो तो होते रहते हैं, उस पर तो लगाम लगाना इतना आसान नहीं होता है कि तुरंत अपराध होते हैं, पर जो संगठित अपराध हैं, जो बड़े अपराध हैं, जो गैंग के माध्यम से अपराध कराए जा रहे थे और एक लक्ष्य बना के अपराध हो रहे थे, उन अपराधों पर यहाँ पर लगाम लगाई गई। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 26 मार्च 2021 को, तो जब वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लाई गई तो वहां पर भी काफी बड़े बड़े परिवर्तन हुए, परिवर्तन कानून व्यवस्था में लेके, परिवर्तन अच्छाई को लेके, परिवर्तन पुलिस की सामाजिक छवि को लेके और परिवर्तन न्यायिक व्यवस्थाओं को लेके, क्योंकि अब तमाम अधिकार कमिश्नरेट में पुलिस को मिल जाते हैं और यही है कमिश्नरेट प्रणाली कि पुलिस की जो ताकत है, जो पावर है, उसमें इजाफा, जिससे वो समय समय अनुसार बड़ी बड़ी घटनाओं पे कड़े कदम उठा सके, जिसके लिए उसको किसी भी की परमिशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। सीडी पुलिस गवर्न होगी सिस्टम से और कोई उसको गवर्न करने के लिए नहीं होगा। ये है कमिश्नरेट व्यवस्था। पहले 4 शहर और अब 3 शहर, और जब 7 शहरों में कमिश्नरेट लागू हो गई है तो मेरे ख्याल से अब परिणाम और बेहतर आएंगे। तो शायद जो निवेश की बात भी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे सुरक्षित है, तो उसमें ख्याल से औद्योगिक क्रांति जो लाने की सपना यहाँ देखा जा रहा है, 10 लाख करोड़ के लक्ष्य यहाँ रखा गया इस बार के समय, तो उसको भी पूरा करने में यहाँ पर कुछ सहूलियत होगी। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और सारे मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा रू। नेता भाजपा से केसी भाई हमारे अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में अभिमन्यु त्यागी जी अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा के रूप में विवेक पांडे भाई अपना पक्ष रखेंगे, नेता प्रवक्ता रालोट के रूप में
वेद प्रकाश मिश्रा भाई अपना पक्ष रखेंगे, और समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध समाज सेवी विवेक शर्मा जी समय समय पर सरकार को नींद से खोलते रहते हैं और जन संबंधी मुद्दों के बार उठाते रहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल हमारा रहेगा वो केसी जैन जी से रहेगा। केसी जी, महत्वपूर्ण पहल, और निश्चित रूप से यहाँ पर अब कुछ परिवर्तन और भी बेहतर होंगे मेरे ख्याल से। निवेश के लिए जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, औद्योगिक क्रांति लाने वाले हैं, उसके लिए ये तीनों शहरों में भी ये जरूरी था और सरकार का सही समय पर महत्वपूर्ण कदम, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, धन्यवाद, आप एक विशेष और बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं क्योंकि आज ही इस पे आगे की कार्रवाई होनी है जी। और उत्तर प्रदेश के तीन अन्य जिले भी कमिश्नरी सिस्टम के अनुसार गवर्न होंगे जी। चार जिले पहले से हैं इस तरीके से, सात जिले उत्तर प्रदेश के जी ऐसे हो जाएंगे जहां पे कमिश्नर सिस्टम लागू होगा जी। तो देखिए, आपने जो समीक्षा की जी उसमें कहीं पे कोई आपत्ति नहीं है, आपने एक अच्छी समीक्षा की जी। और अपने प्रोमो में आपने जो मुद्दे उठाए, जो बातें उठाई जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां तक लाइन ऑर्डर की बात है जी, तो उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार को जनता ने हटा करके और भारतीय जनता पार्टी को अगर बैठाया है तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा लाइन ऑर्डर का ही है ठीक। और इसीलिए जनता ने जो पिछली सरकार थी उसमें तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे जी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा लाइन ऑर्डर का बनता था कि कहीं ना कहीं अपराधियों को सरकार के द्वारा प्रेशर है जी, और अपराधियों से आम जनता बेहाल है जी। और आप देखिए कि सरकार के बदलने के बाद उत्तर प्रदेश में ही तमाम सारे जो दुर्दांत अपराधी थे, 5,000 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी जेल भी भेजे गए जी, और 100 से ज्यादा जो दुर्दांत अपराधी थे जी, उनका एनकाउंटर हुआ जी। और आज भी तमाम सारे समाचार पत्रों को मैं पढ़ रहा था, क्योंकि सुबह घंटे दो घंटे टाइम में समाचार पत्रों को देता हूँ प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जी। तो उसमें भी पूरा डिटेल था कि किस प्रकार से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे जो दुर्दांत अपराधी थे राजनीतिक संरक्षण के कारण किस प्रकार से उन्होंने संपत्तियां अर्जित की और सरकारी संपत्तियां बेहिसाब किताब बेइंतहा संपत्ति, केवल और केवल 10 अरब रुपए की जो संपत्ति है वो केवल अतीक अहमद की जब्त की गई है जी, या ढाई गई है या उससे कब्जे से मुक्त कराया गया जी। 10 अरब रुपए की संपत्ति जी, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति केवल और केवल अतीक अहमद जैसे व्यक्ति की सरकार ने जब्त की जी। तो किस प्रकार से अपराधी फल फूल रहे थे। और जो एक कमिश्नरेट सिस्टम है जी, ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जो संगठित अपराध है, संगठित अपराध के निवारण के लिए जो धाराएं बनी हुई हैं और जो एक्ट बने हुए हैं, खास करके गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं अभी तक डीएम की परमिशन लेनी पड़ती है और प्रशासन की परमिशन वहां पे लेनी पड़ती है इस कार्रवाई के लिए। पुलिस को भी कहीं ना कहीं उनके चक्कर लगाने पड़ते थे जी। लेकिन कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद जो इस तरीके की कार्रवाइयां हैं, पुलिस डायरेक्ट उस तरीके की कार्रवाइयां कर सकती है, उसको कहीं अतिरिक्त परमिशन लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। साथ ही साथ जो तमाम सारी घटनाएं ऐसी भी होती थी कि अंधेरे में रख करके या किसी और उससे लेकर के, चूंकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जिस प्रकार से अलग अलग काम करता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो कार्यक्रम के लिए संख्या आपके पास 100 आदमी की वहां पर मैनेजमेंट की, आपने 1,000 आदमी को बुला लिया वहां पर, फिर तमाम सारी घटनाएं भी होती जी। तो इस तरीके की घटनाएं ना हो तो ये पूरा परमिशन देने का काम भी कहीं ना कहीं कमिश्नर सिस्टम में पुलिस डायरेक्ट करता है जी। और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत कुछ कमिश्नर सिस्टम में पुलिस के पास आ जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि बड़े उच्च अधिकारी छोटे लेवल पे, जहां पर छोटे लेवल पे जहां सीओ लेवल के अधिकारी बैठाए जाते थे, तो वहां पर जो है बड़े अधिकारी बैठाए जाते हैं। और आप देखिए सीधे कमिश्नर सिस्टम में जहां पे पहले पुलिस सिस्टम में जहां पर पहले एसपी होता है, तो इसमें कमिश्नर होता है और कमिश्नर एडीजी रैंक का अधिकारी होता है जी। तो इस तरीके से एडीजी रैंक का अधिकारी और उसके बाद में उसमें सीओ लेवल का भी अधिकारी है उसमें, लेकिन जो सामान्य पुलिस है जो थाने से पुलिस संचालित, तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है जी। लेकिन काफी बड़े अधिकारी बैठाए जाते हैं डीजी लेवल के और साथ में आईजी लेवल के, डीआईजी लेवल के अधिकारी, तो इसलिए सिस्टम बहुत दुरुस्त हो जाता है, क्योंकि जब बड़े अधिकारियों की निगरानी में जिला प्रशासन काम करता है तो उसका इफेक्ट देखने को हम लोगों को मिलता है।
और इससे जो खास करके संगठित अपराध है उसको रोकने के लिए, और देखिए गाजियाबाद को क्यों चुना गया, गाजियाबाद चूंकि एनसीआर से बिल्कुल जुड़ा हुआ एरिया है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, और इलाहाबाद देखिए वहां पे जिस प्रकार से हाई कोर्ट है और तमाम सारे और विभाग वहां पर बने हुए हैं, और साथ ही साथ आगरा को देखिए आप तो ताजनगरी है वो, वहां पे पर्यटक हमारा आता है बड़ी संख्या में, और जो बात आपने कही ना कि पर्यटक के साथ साथ जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, जाहिर सी बात है चूंकि ताजनगरी है उसको देखने भी सब जाते हैं, तो ऐसे भी जो जो उत्तर प्रदेश को लेकर के एक संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि किस प्रकार से सुरक्षित हो और किस प्रकार से विकसित हो, उसके लिए ही इन सारी चीजों की लगातार काम किया जा रहा है और कयास और प्रयासरत है सरकार किस प्रकार से आम जनता को अच्छी सुरक्षा दी जा सके और उत्तर प्रदेश का विकास और डेवलपमेंट हो सके। ठीक, ठीक है विवेक भाई, पहले दो फिर दो चार और अब तीन, 7 शहरों में कमिश्नरेट व्यवस्था, औद्योगिक क्रांति भी होने वाली है, तैयारी इसकी हो रही है, 10 लाख करोड़ का लक्ष्य भी है, और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और साथ ही साथ जो अपराध का आंकड़ा है उसको कम करने के लिए, जनता को कानून व्यवस्थाओं से लाभ पहुंचाने के लिए, पुलिस की सामाजिक छवि को बेहतर करने के लिए इस तरह की व्यवस्था समय समय पर लागू होती है, और मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण कदम इस समय योगी सरकार का है, आज की कैबिनेट बैठक के बाद कैसे देखते हैं आप? सम्मानित पैनलिस्टों को बहुत ही शुभकामनाएं, धन्यवाद और अनुमोदन के साथ बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तर प्रदेश की विकास की गति को बढ़ाने के लिए आज सबसे ज्वलंत विषय पे जो कि एक सामाजिक विषय है उसको आप लेकर के इस मंच पर के आए, उसके लिए आपको भी बहुत साधुवाद। देखिए आज तक इस देश में पुलिस सुधार की 8 सबसे मेजर कमेटियां बनती हैं जी, लेकिन राजनीतिक दलों का वर्चस्व अपने सुशासन को दिखाने के होड़ में इन 8 कमेटियों की रिपोर्ट को दरकिनार कर देता है। ठीक, सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, आज ही एक घटना सुनाई दी है कि लखनऊ में कमिश्नरी प्रणाली के रहते जी इतना डर कायम है कि इनकम टैक्स के कैंटीन में बैठ करके 10 लाख में शायद अभ्यर्थियों को बुला करके उनकी नियुक्तियों का प्रपत्र बांटा जा रहा था, इंटरव्यू चल रहे थे। कमिश्नरी प्रणाली को बहुत बहुत बधाई। मणिलाल पाटीदार एक IPS थे जिन्होंने स्वयं सरेंडर किया काफी समय बीत जाने के बाद, क्यों? कमिश्नरी प्रणाली के रहते संरक्षक मिलना बहुत आसान होता है। कहीं ना कहीं आपको पहले तो यह समझना पड़ेगा जी, कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का उद्देश्य क्या है, उसका लाभ किसे मिल रहा है, और उसके सबसे बड़े मूल कारण क्या है कि आप सफल नहीं हो रहे हैं। सफल नहीं हो रहे क्या? मैं आज इस राजनीतिक इसको डिबेट को राजनीतिक ना ले जाकर के काफी हम इसको कोशिश करेंगे कि सुझाव और इस पे समाधान की तरफ बढ़ते हैं जी। कमिश्नरी प्रणाली में आपने एक IPS जो पहले से रसूखदार है उसको आपने और अथॉरिटीज प्रोवाइड कर दी, चलिए ठीक IPSO के लिए तो ये बढ़िया चीज है कि अपनी एक विशेष सिंडिकेट के साथ वो पार्टी कर लेंगे। अच्छा, लेकिन ग्राउंड फोर्स जो कि कार्यकारी बल है जो हमारे आपके बीच में रह करके अभी, क्योंकि देखिए आदरणीय कैसी जन भाई ने खुद ही स्वीकार किया ना, थाने स्तर पर कोई बदलाव नहीं होता बिल्कुल, लेकिन अगर आप बॉम्बे की बात करिए, दिल्ली की बात करिए, या अन्य पंजाब की बात करिए, चंडीगढ़ की बात करिए, जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू है अच्छे तरीके से काम कर रही है, जहां NCRB के आंकड़े कुछ और कहते हैं जी, वहां आप देखेंगे ड्यूटी 8 घंटे की है जी, वहां आप देखेंगे जो भत्ते हैं उनमें काफी आप बदलाव देखेंगे कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस के जो ग्राउंड कार्यकारी बल है उनके हिसाब से जी, बॉर्डर स्कीम नहीं लागू होती सबसे बड़ी बात है। कमिश्नरी प्रणाली में अब जैसे केसी जैन भाई बैठे हुए हैं, केसी जैन भाई से मैं इतना पूछ लूं केम्स कॉर्नर केसी भाई कितनी देर में पहुंच सकते हैं लखनऊ से आप बता दीजिए, किसी भाई नहीं बता पाएंगे। उस यही हाल उत्तर प्रदेश की PRV 112 की है, आपने 500-800 किलोमीटर से ला करके उत्तर प्रदेश लखनऊ में पोस्ट कर दिया, इलाहाबाद के बच्चे को उठा के आपने मेरठ भेज दिया, गाजियाबाद के बच्चे को उठा के आपने बुंदेलखंड भेज दिया। जब आपको क्षेत्रीय भौगोलिक भाषा का ज्ञान नहीं है, वहां की राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं, राजनीतिक आपराधिक संलिप्तता का ज्ञान नहीं है, आपराधिक समीकरण का ज्ञान नहीं है, वहां की क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, वहां की गलियों का ज्ञान नहीं है, आप क्विक रिस्पॉन्स टाइम को कैसे बढ़ा पाएंगे, मेरा पहला सवाल है। अच्छा, दूसरी बात पे ग्रेजन पर पोस्टिंग कर दी है क्या विवेक भाई? है बिल्कुल है, कई राज्यों में है। अच्छा, और वहाँ आप मुंबई की बात करिए, मुंबई जिसको आदर्श मॉडल पूछते करें, जो आर्मी अपने पर्सनल जो इशू नहीं क्रिएट करेगा। मैं बात पूरी हो जाए मेरी जी, मुंबई की बात करते हैं, एक छोटा एग्जांपल, मुंबई को सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। अच्छा, उसका कारण है उद्योग नगरी भी है, उसका कारण है कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के ऑफिस है वहां पे, यहां से भी परप्रांतीय जाते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार अलग अलग राज्यों के लोग भी वहां आपको मिलेंगे जी। लेकिन वहां की जो पुलिस व्यवस्था है अगर वो उत्तम और उत्कृष्ट श्रेणी की है तो मुझे लगता है कि किसी से अच्छी चीज को आत्मसात करने में समस्या क्या है। अब रही बात आपने जो सवाल पूछा, बहुत बिल्कुल सटीक सवाल था, इसी का मैं इंतजार भी कर रहा था जी। हमारे उत्तर प्रदेश में जब
आदरणीय वैभव कृष्णा जी ने एक जी। रिपोर्ट उजागर की थी जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की संलिप्तता को लेकर कई आईपीएसओ के नाम उजागर हुए। अच्छा। क्या वो गिरी जनपद के दायरे में नहीं थे? सेंगर प्रकरण में अगर आप देखेंगे, जब सीबीआई सामने आती है, सीबीआई ने दो आईएएस तीन आईपीएस की संस्तुति की थी कि जिनको उस अपराध में कहीं ना कहीं ये कहा गया दंडात्मक इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सब पदस्थ है। अच्छा। तो कैसे आप कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, मणिलाल पाटीदार आदर्श, वो तो सबसे ज्वलंत उदाहरण है इस सरकार के लिए। अच्छा। उस पर तो ये सरकार कुछ कह ही नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने स्वयं सरेंडर किया एक अच्छा समय बीतने के बाद, एक अच्छा हॉलीडे वैकेशन निकालने के बाद वो स्वयं आए। कमिश्नरी प्रणाली की देन थी कि उन्होंने स्वयं सरेंडर किया, चाहे कानपुर से उनको लखनऊ भले आना पड़ा हो, लेकिन पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाई क्योंकि ढूंढना ही नहीं चाहते थे, नियत नहीं थी। तो ये सिंडिकेट का गेम है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कमिश्नरी प्रणाली और समाज की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की बॉर्डर स्कीम हटानी पड़ेगी, क्योंकि उसका कारण मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान जो कि हमारे आपके बीच रह करके सुरक्षा की बात करता है, क्योंकि आज पुलिसिंग की बात हो रही है, तो मॉडल पुलिस एक्ट क्यों नहीं लागू किया जाता, जो 2006 का स्वदेशी पुलिस कानून है, जबकि यहां पे 1861 का जो अंग्रेजी पुलिस कानून था वो आज भी संचालित कर रहा है इस देश की पुलिसिंग को। तो मेरा एक सवाल, तो मोदी सरकार, केंद्र सरकार, सबसे भाई चलो समाजवादी पार्टी के लोग तो कुछ नहीं करके गए, जैसा इनका ढकोसला पीटना होता है, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, ये हेडक्वार्टर भी आपने रातों रात खड़ा कर दिया, जो उसमें जो हमारे माननीय डीजीपी जी बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी सरकार के सामने कोई प्रस्ताव इसको पुटअप किया? क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा कि पुलिसिंग की स्थिति में बदलाव जरूरी है? लेकिन मुझे लगता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी केवल अपने नंबर बढ़ाने के लिए सरकार के सामने बैठ करके केवल एक स्वांग रखते हैं कागज पे कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी, चले कर दीजिए, मैं पूछता हूं कि कमिश्नरी प्रणाली लागू करने के बाद जो ग्राउंड फोर्स है उसका क्या आप ड्यूटी टाइम 8 घंटा करेंगे? क्या आप उसको वीकली हॉलीडे देंगे? पुलिस की, मुझे जहां तक पता है, आप भी मीडिया से हैं, 3 साल से तो छुट्टियां ही बंद चल रही हैं लगातार, किसी ना किसी ओकेशन के कारण, परिस्थिति में। और सबसे बड़ी बात, ये पुलिस कौन होती है? आपके हमारे परिवार से निकल करके एक वर्दी धारण करके एक ट्रेनिंग लेने के बाद वो आरक्षी पुलिस वाला बन जाता है, लेकिन वो हमारे परिवार का सदस्य है क्या? जो राज्य एक आदर्श परिवार की स्थापना करने में फेल है, वो एक आदर्श सुशासन स्थापित कर सकता है? परिवार उजड़ रहे हैं, 2019 से आप अभी तक के आंकड़े उठा लीजिए। ओपी सिंह जी जब डीजीपी थे, मैं पूछता हूं कितने पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या की, क्यों की? आपको लगभग सबके कारण पारिवारिक तनाव, मानसिक अवसाद मिलेंगे। क्यों? एक दो शब्द, इन्हीं 2-3 शब्दों के बीच में पूरा खेल चल रहा है, क्योंकि कभी आईपीएस नहीं चाहते, अधिकारी कभी चाहते नहीं कि उनके सिंडिकेट का जो भ्रष्टाचार है वो उजागर हो, इसीलिए एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दो, बाकियों के मुंह वैसे ही बंद हो जाते हैं। मैं पूछता हूं, अगर एक आम जवान को पुलिस के किसी अधिकारी की शिकायत करनी हो तो वो कहां जाए? 2006 के मॉडल पुलिस एक्ट में पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी का प्रावधान दिया गया है, लेकिन वो कभी लागू नहीं करेंगे, वरना आईपीएस के ऊपर शिकायत होने लगेगी, दरोगाओं की शिकायत होने लगेगी। दूसरी बात पे आते हैं, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन आप क्यों नहीं करते, जहां से ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी सब संचालित हो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्योंकि मोटा पैसा चलता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो सार्वजनिक था, आदरणीय वैभव कृष्णा जी को किस तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ा, एक इसी तरह की रिपोर्ट उजागर करने के चक्कर में, ये सर्वविदित है, सोशल मीडिया सोशल डोमेन में है, सबने देखा है। और सबसे बड़ी बात है, जब पुलिसिंग की बात होती है तो केवल अधिकारियों की बात क्यों होती है भाई? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब पुलिसिंग की बात होती है तो अधिकारियों की बात क्यों होती है? बस ये होगा कि कमिश्नरी सिस्टम लगेगा और उसके बाद 4 फॉलोअर के नाम पे कार्यकारी बल से उठा करके 4 लोगों की ड्यूटी उनके सुरक्षा में लगा दी जाएगी, 4 लोग उनके कुत्ते टहलाएंगे, 4 लोग मैडम और कार्यकारी बल को बढ़ाने के साथ 2000 सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, मुद्दा सुन लीजिए, कमिश्नरी प्रणाली का ही की ही देन थी ना, 2021 में जो यूपीएसआई स्कैम हुआ है जिसमें 150 से अधिक लोग पकड़े गए, लगभग 30 से 60 FIR हुई और लगातार पकड़े गए, उसके बाद भी आज उसकी मेडिकल की बात हो रही है, अब तो मेडिकल में भी भ्रष्टाचार सामने आ गया। अच्छा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुलिसिंग को लेकर अगर आप वास्तव में गंभीर हैं तो पहले जमीनी मुद्दों पर काम करिए। एक सेना जिसके सैनिक असंतुष्ट हो वो सेना कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ सकती, इतिहास में दर्ज है। अच्छा, तो आपको बता दें कि जो 4 जहाज चल रही थी वहां फेल है और 3 जगह चली वहीं फेल हो जाएगी। आपको लगता है कि लखनऊ में आपकी कानून व्यवस्था दुरुस्त है? अच्छा, आपको लगता है? खराब मैं तो है, पूछ रहा हूँ, जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, आप तो मीडिया से हैं, उत्तर प्रदेश में आप किसी भी परिधि में बात कर, चलिए एक उदाहरण और देता हूँ आपको, बिकरू कांड आपको याद होगा? जी याद है, कमिश्नरी थी, बिल्कुल थी। बिकरू कांड के बाद 33 एक वांटेड अधिकारी, वांटेड अपराधियों की लिस्ट एसटीएफ ने जारी की थी, वो भी पब्लिक डोमेन में, आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल। लेकिन जब सरकार 2.0 के कार्यकाल में आती है और पहले कार्यकाल में इन्होंने क्या कहा, सारे अपराधी गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेलों में हैं। अभी तो शायद 63 या 64 की लिस्ट फिर इन्होंने जारी की थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर
33 अपराधियों की लिस्ट उस समय जारी करके इन्होंने ये स्वांग दिया कि सारे जितने माफिया थे उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, अतीक अंसारी और मुख्तार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जेल में हैं। जैसा कि बार बार ये दो ही नाम पे अपने पूरे सुशासन को लपेट कर दिखाते हैं। हाँ सुन लीजिए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये 32-33 लोगों की जो एक्स्ट्रा जोड़ करके लिस्ट बाहर आई 63-64 की, इनको कौन संरक्षित कर रहा था भाई? ये भी वो जिनके ऊपर एक एक दो दो लाख के इनामी बदमाश है इसके अंदर, जिनके ऊपर 35-40 अपराध हैं, और ये लिस्ट 2.0 के कार्यकाल में आती है, जबकि पहले कार्यकाल तो में की लिस्ट जारी करके ये कहा था सारे अपराधी उत्तर प्रदेश में। भाजपा को संरक्षित कर रहे थे क्या इनको जी? भाजपा के लोग संरक्षित कर रहे थे। एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट ये कहती है, जो इनका पहला कार्यकाल था उसमें 114 दागी विधायक इनके सदन का हिस्सा थे, अच्छा, जिनके ऊपर आपराधिक मामले नामजद थे, और दूसरे कार्यकाल में भी लगभग 42% जो इनके विधायक हैं वो अभी भी नामजद हैं गंभीर अपराधों में। ठीक, तो मुझे लगता है कि भाई एडीआर इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी तो बनाती नहीं है, अच्छा, और स्वायत्त संस्थाएं जो इस तरीके की हैं एनसीआरबी हो गई चाहे वो आप कहिए, तो मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ, कुछ आंकड़े भी लेके आया अगले राउंड में। ठीक है, मैं अगले राउंड का इंतजार कर लूंगा, मैं आपको आंकड़े दूंगा एनसीआरबी के। इन्होंने कहा था अभी पहले, इन्होंने कहा कि एनसीआरबी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन लागू है, तो एक दो 10 सेकंड में बात खत्म करता हूं। 2021 में महिलाओं के विरुद्ध सबसे अधिक मामले 56,083 मामले आते हैं, जो कि 15.3% से बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को प्रथम सूची पे रखते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है ये उपलब्धि है कमिश्नरी प्रणाली की। भाई कमिश्नरी प्रणाली चाहे आप कहीं लागू करिए, जब तक आप कार्यकारी बल के लिए सुधार की दिशा में काम नहीं करेंगे, अधिकारियों का क्या है? इसी ऑफिस में बैठ के उनका काम मॉनिटरिंग का है। परसों की घटना बताता हूँ, परसों रात की घटना बता देता हूँ, मतलब कल की, परसों रात कल, मतलब चिन्हट का एक प्रकरण था, रात भर आप इंस्पेक्टर को फोन करते, फोन ना उठा, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक ठीक, आप कहेंगे मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता रालोट ग्रुप में बीर भाई बैठे हैं। बीर भाई, भाई यहाँ पर अच्छी पहल की जा रही है, कमिश्नरेट लागू की जा रही है तीन और शहरों में, क्या पक्ष है आपका? बेहतर पहल है और निवेश के लिए माहौल भी बेहतर बनाना जरूरी है, और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार कानून व्यवस्था करने के लिए अगर पहल कर रही है और सार्थक पहल है तो ये अच्छी बात है। अगर सार्थक पहल समझ में, लेकिन अगर क्या बोल दिया आपने सर, अगर सार्थक पहल, आप हमारी बात पहले पूरी सुन लीजिए। सरकार इसलिए, अगर इसलिए बोल दिया कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रति ईमानदार नहीं है, अच्छा, इसलिए हमने इसमें अगर शब्द लगा दिया। ठीक है, सरकार इसलिए ईमानदार नहीं है कि 2500 के आसपास थाने हैं, उन थानों में जो सिपाही और दरोगा तैनात हैं उनके रहने की जगह नहीं है, अच्छा, उनके लिए पीने के लिए शुद्ध पानी, ये तो उनकी बात, उन्होंने जनरेटर दिया है उसमें डीजल नहीं। अरे बेर भाई, ये तो कैसे कैसे का क्या कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर देने से प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? अच्छा, नहीं हुई क्या? आप कानपुर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू थी, ये बिकरू कांड इतना बड़ा हो गया जिसमें इतने पुलिस कर्मी शहीद हो गए, अच्छा, क्या कानून व्यवस्था में कुछ भी दुरुस्त हुआ? क्या दुरुस्त हुआ कानून व्यवस्था से? तो जो बिकरू कांड जब कानपुर में हुआ तब वहां कमिश्नर लागू नहीं हुई थी भैया, जुलाई 2020 का मामला है, कानपुर में 21 में लागू हुई है जी, 21 में लागू हुई जी। चलिए, मैं कह रहा हूं कि उस समय भी जी वहां पर अगर हम आईपीएस अफसर हमारे बैठे हैं और बिकरू कांड में तमाम पुलिस कर्मियों की संलिप्तता संज्ञान में आई, तो कार्रवाई तो है, पत्रों के माध्यम से मिली, समाचार माध्यम से मिली, कार्रवाई करना, इसका कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होता। अच्छा, उन लोगों को क्या जेल भेजा गया? अच्छा, एनकाउंटर तो हो गया, संतुष्ट नहीं है। एक थाने में हत्या होती है और पुलिस कहती है कि साहब हम इस पर कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं होती। अरे एनकाउंटर हुआ, संतुष्ट नहीं है क्या? मौलिक सुधार की जी, पुलिस की प्रणाली में मौलिक सुधार की आवश्यकता है जी, जिसके लिए पुलिस को आप बताइए 24 घंटे के कर्मचारी हैं पुलिस के कर्मी, क्या उनके लिए कोई साप्ताहिक अवकाश? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब मैं मुद्दा कोई उठाता हूँ तभी सबको पुलिस की याद आती है, मौलिक अधिकारों की याद आती है, पुलिस की समस्याओं में है, आवास नहीं है तभी सब आते हैं। अरे अपने मन से भी मेरे ख्याल से पेपर से उठा लेगा भी बार, पुलिस भी आपके समाज के हिस्से है। पुलिस
पुलिस हमारे समाज के हिस्से हैं। हमने बाकायदा डीजीपी साहब को इस बात का पत्र लिख करके आगाह किया कि जनपद के प्रदेश के भाई आगाह करते रहते हैं, जिन थानों में आगाह करते थानों में बाउंड्री वाल नहीं है, और जो हमारे पुलिस कर्मी रात ड्यूटी करके वापस आते हैं उनके सोने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जनरेटर है तो उसमें डीजल नहीं है, बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था नहीं है। इन सारे मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय लोक दल ने माने वो मुख्यमंत्री महोदय को और डीजीपी महोदय को आगाह किया है। आप कहेंगे तो उस पत्र की कॉपी भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, और आप इस पर पहल करते हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। ठीक है वीर भाई, ठीक है। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस के। अभिमन्यु भाई, आप लोग भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं भाई, 3 जिलों में और लागू हो रही है कमिश्नरेट, बेहतर होगा भाई शुरुआत करने दीजिए, क्या बुराई है भाई? अगर उत्तर प्रदेश बेहतर होगा तो इसमें सबको समर्थन करना चाहिए, अच्छी शुरुआत है, कैसे देखते हैं जी? गौरव जी, आपको पहले मैं नमस्कार करता हूँ, पैनल में सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए ये सब प्रयोग चल रहे हैं, अच्छा। प्रयोग सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं, अच्छा। लेकिन जो प्रयोग सफल होते हैं वो सब परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, अच्छा। आप देखें किस तरह से ये सरकार प्रयोग कर रही है, प्रयोग का रिजल्ट भी आना चाहिए, अच्छा। कमिश्नरी जो पुलिस सिस्टम है इसके तहत जो डीएम की बहुत सारी पावर है न्याय व्यवस्था की, वो कमिश्नरी पुलिस इनके हाथ में आ जाती है, अच्छा। जैसे जमीन का आपसी विवाद है उसका निस्तारण भी इनके हाथ में आ जाएगा, अच्छा। कहीं लाठी चार्ज कराना है, ट्रांसफर पोस्टिंग है तो डीएम से परमिशन की जरूरत नहीं है, सीआरपीसी की जो धाराओं की परमिशन की जरूरत पड़ती है डीएम से, हाँ। उसकी जरूरत नहीं है, वो सारा पुलिस कमिश्नर के हाथ में वो सारी पावर आ जाएगी, अच्छा। तो ऐसे में एक सवाल बनता है कि सत्ता पक्ष के दबाव में या सत्ता की पसंद के अधिकारी जब कमिश्नर बन के बैठेंगे तो जो कार्रवाई उनके प्रभार क्षेत्र में होगी क्या वो विपक्ष के विरोध की होगी, क्या वो न्याय संगत होगी, अच्छा। जिस तरह से भ्रष्टाचार के बहुत मामले पकड़े जा रहे हैं, कौन से मामले पकड़े, मंत्री से लेकर अधिकारी तक पकड़े जा रहे हैं, अच्छा। उनको बचाने का काम किया जा रहा है शासन सत्ता द्वारा, अच्छा। ऐसे में ये लेचर व्यवस्था बनकर भी सामने आ रही है, ठीक। अच्छी इसको प्रयोग अच्छा जब माना जाएगा जब जनता की नजर में नजीर पैदा करेगी, ठीक। नजीर पेश करेगी, लेकिन अभी तक लग रहा है कि कहीं नजीर पेश नहीं कर पाई है, अच्छा। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, अच्छा। और लोग खुद जानते हैं चाहे रिकॉर्ड क्या हो, रिपोर्ट क्या जारी हो, ठीक। लेकिन जनता खुद डरती है, सहमती तो है, रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन करिए, हो जाता है जी, कैसे करेगी अब? आज तो 100 रुपए का चालान भी 1000 रुपए का है, क्या करेगी जनता, आप बताइए ना? नहीं तो आप जनता के लिए आइए ना, रोड पर आइए, क्यों नहीं आते आप लोग? आएगी, आएगी, हराएगी इनको, अच्छा। आएगी, हराएगी, निसंदेह निसंदेह हराएगी, कांग्रेस आएगी रोड पर, सबक सिखाएगी, जनता को पसंद नहीं रहेगा तो हराएगी। नहीं नहीं, मेरा कहना अभिमन्यु भाई, मेरा कहना यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, जनता का शोषण हो रहा है, तो मेरा मानना यह है एक पार्टी होने के नाते, विपक्ष होने के नाते, आप सड़कों पर आइए, दरअसल संघर्ष करिए, सरकार की नीड खोलिए, पार्टी तो लगातार कर रही है। देखिए आज क्या जरूरत है, अच्छा। पुलिस को हाईटेक करने की जरूरत है, अच्छा। उन्हें जो आपने कमिश्नरी सिस्टम जरूर लागू कर दिया, लेकिन जो SHO है, जो चौकी इंचार्ज है, दरोगा है, जो कॉन्स्टेबल है, उनके लिए क्या सुविधा है, आप बताइए? काम तो उन्हीं से कराना है ना, कितनी आपने पुलिस बढ़ाई, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, सुविधाओं पे बात हो रही है, सिस्टम कर दिया, कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात हो रही है, नहीं है जी, अभी सिर्फ हवा हवाई मामला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिनंदन भाई, विवेक भाई जी, समाज सेवी के रूप में आप बैठे हुए हैं, वो आप बताइए कि क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर तो पुलिस के लिए सुविधाओं की बात चल रही है, मौलिक अधिकारों की बात चल रही है, पर जो असल व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की कमिश्नरेट की, वो कैसे देखते हैं, क्या परिवर्तन हुआ, और जहाँ जहाँ लागू है वहाँ पर अपराध का लेवल नीचे आया कि नहीं, और संगठित अपराध में कमी हुई कि नहीं, ये आप बताइए, क्योंकि आप समाज सेवी हैं और जनता के ही आप एक प्रतिनिधि हैं, कैसे देखते हैं? गौरव जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आज आपने इस डिबेट को बहुत अच्छी तरीके से चालू किया जी, और केसी भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मीडिया के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ वो अखबार भी पढ़ते हैं, अच्छा। तो शायद एक अखबार उनसे छूट गया है, अच्छा। जिसमें बहुत अच्छा एक आज ही लेख निकला है, अच्छा। और बहुत अच्छा लिखा है कि पुलिस हाईटेक, अच्छा। किंतु पुलिसिंग लचर, अच्छा। ये शायद छूट गया केसी भाई, फिर दोबारा से पढ़िएगा, एक अच्छा प्रतिष्ठित अखबार है जी, और उसी ने आज एक ये खबर प्रकाशित की है
कि चुनौती के मामले यहाँ पर जो हैं जी, गले से चैने छिन रही हैं, लोगों के हाथों से मोबाइल छिन रहे हैं, तो ये पुलिस कमिश्नर की देन है क्या? अच्छा भाई, कमिश्नरेट होने के बाद में अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात होती है, अपराधी तो बेखौफ हो गए, कहाँ है पुलिसिंग? कहाँ है पुलिसिंग? अधिकारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि अभी तक एसएसपी से मिलने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता था, अब तो एसीपी या डीसीपी से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि थानाध्यक्ष महोदय के हाथ में कुछ नहीं है, कि ऊपर से जब कोई जवाब आए, कोई बात आएगी, तब उसके बाद कोई कार्यवाही होगी। अच्छा भाई साहब, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, केसी भाई जी, आप जरा गौर कीजिएगा, मैं वही की बात करूंगा, क्योंकि भाई आप लोग तो पूरा यूपी देख रहे हैं जी, मैं तो अपना एक क्षेत्र देख रहा हूँ, जानकीपुरम एरिया, किस पुलिसिंग की बात करते हैं? पर डे जो लोग हम लोग निकलने वाले हैं, एक तो छिनैती की घटनाओं से, एक आपके मोबाइल चोरी होने की घटनाओं से, ये रूबरू प्रतिदिन होते हैं, साथ में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी और दिक्कत आती है वो आती है जाम की। अच्छा, क्या जाम की स्थिति पूरी सही हो पाई? कमिश्नरेट पुलिस है, केवल और केवल कार्यालयों में बैठकर कैमरों से नजर रखने से ही ये जाम नहीं पूरा खुल पाएगा। बार बार कहा जा रहा है, अधिकारियों को कहा जाता है, ठेले रोड पर लगते हैं, जो वहां का थाना क्षेत्र है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, जब न्यूज़पेपरों में निकलता है या मीडिया के माध्यम से उनके पास तक पहुंचाया जाता है, तो जरूर उसमें अगले दिन देखने को मिलता है कि वहां से ठेले हट गए। अच्छा। लेकिन शाम को फिर लग जाते हैं, फिर मालूम चला कि अगर कोई बीबीआईपी वहां पर मूवमेंट हो रहा है तो वो हटवा दिया जाता है। तो ये क्यों एक साथ क्यों नहीं रखते? अच्छा, ये क्या पुलिसिंग हो रही है? अभी कुछ दिन पहले आपने लूलू मॉल का नाम सुना होगा, अभी यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, क्या क्या लचर व्यवस्था थी? अच्छा, क्या लचर व्यवस्था थी इसके? भाई हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया था, लोगों को पैदल जाना पड़ा, शहीद पथ है वहां पर, डीजीपी पैदल दौड़ रहे थे। पुलिस कमिश्नरेट में एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। इकाना स्टेडियम अभी आपने देखा होगा, वहां पर भी क्रिकेट का मैच हुआ था, क्या मारामारी हो गई? क्या ये पुलिस कमिश्नरेट का वो है जी? आप देखिए नोएडा में, अच्छा, पर डे आप ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं अभी, जैसे विवेक पांडे जी ने बताया, आंकड़े प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसको कम होना चाहिए जी, क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, ये कौन देखेगा? ये पुलिस कमिश्नरेट में पावर तो सबको मिल गई है। अच्छा, लेकिन उसका यूज कहां हो रहा है जी? पुलिसिंग है कहां? ठीक है, कहीं रोड पर नहीं दिखती। ठीक है विवेक भाई, विवेक शर्मा जी, मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा जी, कि कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश में तो अभी लागू हुई है 2020 से जी, इसके पहले पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में और तमाम बड़े शहरों में लागू हुई। मामले तो अपराधी वहां भी होते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अगर समीक्षा की हम बात करते हैं, कि मेरा निजी दृष्टिकोण है, मैं इसमें किसी की ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, सबसे बड़ा अपराध होता है संगठित अपराध, जिसमें एक संगठित करके और व्यवस्था बना के प्लानिंग करके आप करते हैं। आपके पास बिल्कुल सही है कि सिनेटी होती है, मोबाइल चुरा लिए जाते हैं, मोबाइल छीने भी जाते हैं, चैन भी छीनी जाती है, और ये अपराध त्वरित अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं कहा किसी को इसकी जानकारी नहीं होती है, और पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए तमाम तरह के वाहन और खरीदे जा रहे हैं, इसके लिए भी आज कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा गया। इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा गौरव जी, गौरव जी मैं इसमें रोकूंगा, बहुत सही आपने कहा, हमारे यहाँ 5 अपार्टमेंटों की एक श्रृंखला बनी है जानकीपुरम में, सृष्टि है, स्मृति है, सरगम है, जिस समय पर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि यहाँ पर भीड़ हो रही है, या सामने शराब के ठेके बने हुए हैं, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डेली शाम को वहां पर बैठ के शराब पी जाती है गाड़ियों में जी, उसी समय पुलिस आती है। अच्छा। उसके बाद फिर वो गायब हो जाती है। अच्छा। केवल एक या दो दिन के लिए ही केवल पुलिसिंग होती है। बिल्कुल। अरे आपको परमानेंट वहां पर उसका ध्यान रखना है। केसी भाई, केसी भाई यहाँ पर तमाम कारण है भैया, विवेक भाई बता दिए। मैं एक लाइन बस कहना चाहूंगा गौरव भाई, अभी आपने एक बात के सब लोग पहले, फिर मैं बोलूं। आपने कहा नए वाहन खरीदे जा रहे हैं जी, भाई वाहन खरीदे जा रहे हैं लेकिन वो ऑटोमेटिक वाहन जो सैटेलाइट से चलते हैं, उनको चलाने वाले जो होते हैं जी, वो आम पुलिस कर्मी जो पीआरवी के ड्राइवर होते हैं, वो आपके हमारे बीच से आते हैं, जो कि लखनऊ में गाड़ी चला रहा है लेकिन वो शायद है बुंदेलखंड से या मेरठ से। आपका कहना वही है, मेरा आपसे बहुत जिम्मेदारी से इसलिए कहना है, क्योंकि जब तक क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान नहीं होगा, आप यूपी के
जिलावर्ती भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कभी भी पुलिसिंग को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, ये चाहे किसी अधिकारी के बात गले उतरे या ना उतरे। आप अपनी जो परिस्थिति है, जो आपकी स्थिति है, उसकी जिम्मेदार हालत आप एनसीआरबी के आंकड़ों में खुद देख सकते। ठीक है किसी भाई, भाई सबका दर्द बयां हो गया और यहाँ पर उनका कहना है कि व्यवस्था को बेहतर नहीं करें। जी देखिए गौरव जी, एक निवेदन है जी कि जो सवाल हो बीच में आप पूछें। नहीं, मैं जी नहीं, अगर सबके सवाल आ गए हो तो जी बिल्कुल आ गए। मैं पिछले 25 मिनट से सुन रहा हूँ, मैंने किसी को जरा सा भी इंटरप्ट नहीं किया। जी बिल्कुल बोलिए, इसलिए मैं चाहता हूँ बात आ जाए। ठीक है, और रही बात यह कि बीच में प्रश्न के माध्यम से हो हल्ला जी और हल्ला बोल ना करे, आप जो पूछना हो पूछ सकते हैं। जी बोलिए। देखिए अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने एक प्रश्न उठाया कि 100 रुपए का चालान 1000 रुपए का हो गया, तो चालान कब होता है? चालान तब होता है जब आप हेलमेट नहीं लगाए, जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, जब आपके पास चीजें नहीं है, और खास करके दो चीजों पर चालान इसमें हो रहा है, चूंकि ऑनलाइन चालान हो रहा है फोटो खींच करके। तो ऐसे में आप जेब्रा लाइन क्रॉस करते हैं, आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं, यानी कि पेपर चेक करने का नंबर बाद में आता है, जो चीजें एकदम सामने दिखाई दे रही हैं। और जब आम नागरिक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करे, और उसके लिए सरकार ने इस जो चालान की एक नई रूल जो रेड लिस्ट जारी की है, तो कोई चोरी छुपा तो है नहीं कि एकदम से लेट रेड लिस्ट आ गई, 100 रुपए का चालान 1000 रुपए का हो गया। ये चालान इसीलिए बढ़ाया गया, या तो व्यक्ति को घंटे दो घंटे सजा के रूप में रोक के रखा जाए तो पूरी रोड पे जाम लग जाएगा, क्योंकि अगर 100 वाहन निकल रहे तो 20 वाहन ऐसे है जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, 20 वाहनों को खड़ा कर दिया जाएगा, रोड जाम हो जाएगी पूरी। ठीक। अगर चालान हो रहा है उसमें भी कांग्रेस के साथी को आपत्ति है, यानी कि ये जनता को प्रेरित कर रहे हैं कि नियम कानून कोई मत मानिए, अगर कोई नियम कानून लागू हो गया है तो उसके विरोध में सरकार के खिलाफ उतरिए, यही इनकी मंशा है। दूसरी बात, हमारे जो अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे भौगोलिक स्थिति को हवाला दे रहे थे, एक डीएम जो एक आईएएस अधिकारी होता है उसी का दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है जब वो केंद्रीय नियुक्ति पे प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं और वो वापस आते हैं, वो कैसे काम संभालते हैं, कैसे काम करते हैं? तो ये कह देना कि भौगोलिक स्थिति, और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश के एक कोने के व्यक्ति को दूसरे कोने में सिर्फ और सिर्फ उसको रखा जा रहा है। और एक चीज है, शायद इनको नहीं मालूम है, जान के भी अनजान बन रहे हैं। अच्छा। कहीं पर भी किसी भी थाने की पूरी पोस्टिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। बिल्कुल। वहां पे भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए ड्राइवर 10-10 साल तक एक जगह पे रहता है। बिल्कुल। और स्थानांतरित भी होता है एक थाने से बगल के दूसरे तीसरे चौथे थाने में होता है। जी। अभी कल मैं गया था, अभी जो सीओ है तो एसीपी जो सिस्टम है तो वो चौक का जो एरिया लगता था उसमें कुछ एरिया को कैसरबाग में भेज दिया गया। बिल्कुल। तो हमारे एक साथी का मामला था तो पता चला, फोन पे वार्ता हुई, पता चला नहीं वो कैसरबाग आ गया। कैसरबाग गया तो वहां के ड्राइवर से ही बातचीत हुई तो पता चला फिर नहीं, वो फिर से वो ट्रांसफर होकर के एरिया वापस चौक क्षेत्र में लगने लगा है। ठीक। तो उसने बताया कि भैया मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ सर, मैं आपको सही जानकारी, वहां पे वापस ट्रांसफर हो गया है और वहीं पे जाइए, वहीं पे आपका काम बनेगा, मैं ड्राइवर हूँ, 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे एक एक चीज के बारे में जानकारी है। तब मुझे लगा कि ड्राइवर 10 साल से काम कर रहा है। जी। यानी कि जिसको भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता है, जानकारी है, जी। सिपाही, ड्राइवर और जो राइटर होता है थाने का, जी। ये सारे की सारे पूरी जानकारी नए अधिकारी को देते हैं, इनको सामान्यता उन्हीं को रखा जाता है जो पहले से होते हैं, इनकी सामान्यता अगर पोस्टिंग ट्रांसफर किया भी जाता है तो पास के ही थाने क्षेत्र के व्यक्ति को वहां पे रखा है, जहां तक मुझे जहां तक जानकारी है, मैंने जहां तक अनुभव किया है, बाकी ये पुलिस सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब पीआरपी की बात, पीआरपी का गठन क्यों किया गया किसी भाई, डायल हंटर किसने बनी है? अगर 10 साल तक एक पुलिसकर्मी एक थाने पे पोस्टेड है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप पहले जाके पुलिस कानून पढ़िए। पीआरपी में 3 से 4 साल के अंतराल पे आपको कहीं ना कहीं स्वेच्छा नियुक्ति देनी चाहिए। भाई लगातार एक जगह पे पदस्थ रहने वाला क्या भ्रष्टाचार का कारक नहीं बनेगा, जनक नहीं बनेगा? बोले 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 ब
मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कोई बीच में नहीं बोलेगा। सुन ले, सुन ले, जो सवाल के नाम पर ये हल्ला करते हैं ना, हल्ला बोल करते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप मैंने गलत स्टेटमेंट भी स्वीकार नहीं होगा ना, आप तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अच्छा एक बात बताइए ना, सिपाहियों पे अगर बॉर्डर स्कीम गलत है तो अधिकारियों के लिए क्यों जायज है भाई? अधिकारी गृह जनपद में क्यों रह सकता है? अधिकारी गृह जनपद में क्यों रह सकता है? सेंगर प्रकरण भूल गए क्या? नहीं नहीं, आप लोग आते हैं पुलिसिंग को कल मजाक बना के रख दिया है। नहीं क्या करते हैं, गाड़ी खरीदना पुलिसिंग होती है क्या? गाड़ी खरीदना पुलिसिंग होती है क्या? किसी भाई गाड़ी खरीदना पुलिसिंग होती है क्या? बीआरबी किसने बनाई गई? डायल हंड्रेड क्यों बनाया गया भाई? अगर पुलिस की इकाई सच्ची है तो डायल हंड्रेड क्यों बनाया गया भाई? प्लीज प्लीज बोले कैसे बोलिए, बोले कैसे ये भाषणबाजी ठीक नहीं है, हल्ला बोल ठीक नहीं। बोले बोले कैसे भाई, बोले बोले अभी बात पूरी करिए। मैं आपने गलत डाटा पेश किया जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, आपने कहा भ्रष्टाचारी है जी, तो समाजवादी पार्टी सरकार में 150 से ज्यादा विधायक जी आपके जो थे, जो दागी विधायक थे जी। अभी मैंने डाटा देखा है जी 2016-2017 का जी, ऑनलाइन अभी मैंने चेक किया है, एडीआर का डाटा मैंने चेक किया है। इसका आपने एग्जाम्पल दिया, सुनिए अभी 150 से ज्यादा जी और 26 मंत्री आपके दागी थे, इसमें से 16 मंत्री जो हत्या बलात्कार लूट डकैती के मुलजिम थे, 54% मंत्री आपके दागी थे, और जिनमें जो कि दुर्दांत अपराधी थे उसमें से 16 मंत्री दुर्दांत अपराधी थे। आप दूसरों को बता रहे हैं, हम तो बीच में नहीं बोले कि आप ये गलत डाटा पेश कर रहे हैं, अपने बारे में बताइए। छाती पीट के महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था,
आज सुर बदल गए, यही हो गया आदित्यनाथ जो पुरानी पेंशन में पद रखते थे। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, पुरानी पेंशन को लेकर यही हो गया आदित्यनाथ पत्र लिखते थे और आज नई पेंशन स्कीम के फायदे बताते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को, आप लोग की कई बातें आप ही लोग को असहज कर रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी मेहमान भी है। इनकी जो गुंडागर्दी है अच्छा, और जो अपराधियों को गले लगा रहे, अगर सच बोलना गुंडागर्दी है तो तकलीफ हो रही है, अगर सच बोलना गुंडागर्दी है, अगर हक की लड़ाई लड़ना गुंडागर्दी है तो तकलीफ हो रही है, अगर पुलिस के अराजपत्र कर्मचारियों के लिए हक की बात करना गुंडागर्दी है तो गुंडे है, आप साबित करिए। और रही बात जिस तरीके से आप गुंडा कहने का प्रयास कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप हताश क्यों है, आप इतने हताश क्यों है, ये सोचिए। आपके अधिकारी आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके अधिकारी आपके नहीं सुनते। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो जाता है, मंत्री को बता नहीं, वो जाकर के मीडिया में हाय हाय मचा रहा है, क्योंकि जो इनके गुंडे हैं अच्छा, जो लुटेरे माफिया हत्यारे वो तो देखा है, किसी जैन जी कौन कितना बड़ा गुंडा आ गया है, सारे गुंडे तो देश और विदेश चला रहे हैं, किसी जैन जी सारे गुंडे देश और विदेश चला रहे हैं, अपराध का इतिहास एक बोलता है, कागज एक बार जीवित हो गया मरता नहीं है, सबकी फाइलें बंद हुई है, खुल कभी भी सकती है, और एक बार जान लीजिए जिस दिन सरकार बन जाएगी कौन गुंडा है वो साबित हो जाएगा, कौन इनकी पीड़ा जायज है। ठीक है ठीक है पीड़ा जायज है, बाकी मेहमान जो गुंडे आपके चेहरे के अच्छा, पुलिसिंग में तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा पुलिसिंग में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, स्कॉर्पियो खरीदने की क्या जरूरत है, जरा वो कागज दिखाइए जिस पे आपने इनोवा खरीदे, कितने चल रही है, कितनी खड़ी है, कितनी केवल रखी हुई है, वो कागज लाइए, परचेज का वो डेटा दीजिए, बताइए जेलों में दवाइयां कैसे सप्लाई होती है, बताइए जेलों में दवाइयां कैसे सप्लाई होती है, अरे लाइए पुलिसिंग में बात करते हैं भाई, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, अच्छा अच्छा अच्छा, इनको तकलीफ इसी बात की है, 620 करोड़ 600 करोड़ आवासीय आवासी मनोभावनों का बजट पास कर दिया सरकार, उनका नंबर आ गया और पैसा कहाँ जाता है, 75 जिलों का पैसा कहाँ गया भाई, बेबे भाई कैसे बोल रहा है, 3 जिलों में और नंबर आ जाएगा अपराधियों का, हम तो 75 जिले में लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सफल तो करके दिखाइए, अच्छा जब आपके अपराधी इनको नेता बन के बैठ जाएंगे अपने मुकदमे खत्म करके, तो आप कमिश्नर लगाइए चाहे आप आरोप लगाइए, जब सत्ता ही अपराधियों के हाथ में है, जब सत्ता ही अपराधी चलाएगा तो आप किसी को भी, ठीक है ठीक है ठीक है, गायत्री प्रजापति जी आ गए, आइए आप गायत्री प्रजापति के दौर पे चलते रहिए, गायत्री प्रजापति जी को तो अखिलेश ने ही बाहर किया था, ठीक है ठीक है, और आपको आज तक उन्हीं के हार दिख रहे हैं, इनके पास सेंगर का जवाब नहीं होगा, ठीक है इनके पास सेंगर का जवाब नहीं होगा, सेंगर को बचाने के लिए परिवार को तबाह कर दिया, पूरा हमला ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भी, सुप्रीम कोर्ट के ठीक है, बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने झापड़ नहीं दिया होता तो सेंगर को तो बचा ले गए थे लोग, ठीक है उसके बाद हाथरस बदायूं कितनी घटनाओं का उल्लेख कर दूं, ठीक है, मौन मौन एक धर्म की सरकार चलाने वाला मौन और धर्म का पूरी तरह से दुराचार करके रख दिया, ठीक है बस करिए भाई, ठीक है अभिमन्यु भाई समाजवादी पार्टी का बालिया पर सामने आ गया, अभिमन्यु भाई अरे तो दिख रहा है, अभिमन्यु भाई कैसी बात ने जवाब दिया है आपका, पुलिसिंग छोड़ के सारी बात, ठीक है पुलिसिंग में कुछ आता हो तो बोलेंगे ना, बैठ गए बॉर्डर स्कीम के बारे में नहीं पता, पुलिसिंग के बारे में नहीं पता, स्टेट कंप्लेन अथॉरिटी के बारे में नहीं पता, हो गया भाई हो गया, अभिमन्यु भाई को बोलना है, बॉर्डर पुलिस एक्ट के बारे में नहीं पता, क्या बात कर रहे हैं, चाहिए अधिकारियों की चाय पीजिए अभी करिए, चाहिए अधिकारियों की ठीक है अभिमन्यु भाई आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, अभिमन्यु भाई केसी भाई बोल रहा है कि आप लोग चालान अगर करवा रहे हैं तो जनता को भड़का रहे हैं क्या, अगर चालान हो रहा है देखिए फोटो खींच चालान होता है, हमारे एक बात कहें, जी ये जो कानून है ये अंग्रेजी राज का बना हुआ है, अच्छा इसमें अधिकारियों पे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू का काम करते हैं, अरे केंद्र में पुलिस के कानून का पालन करने के लिए पुलिस सिस्टम है, एसपी एसएसपी आई तक राज किया, कानून तो नहीं बदल दिया अंग्रेजी का, कलकत्ता में सबसे पहले अंग्रेजों का कानून चलाने वाले तो आप पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया, आजादी से पहले की बात है, आप भी तो सरकार में हो, देखिए
और अखिलेश यादव जी को पुराने ढंग पे काम हो रहा है, आप देखिए और पाएंगे अगर किसी भाई पुलिस रिपोर्ट के नाम पर किसी भाई जवाब नहीं हो रहा, किसी भाई अब जवाब देते हो नाम की बात पहले से मैं उदाहरण दिया, आप देखिए कि 151 हो चाहे 107 16 हो चाहे धारा 144 लगाने की बात हो, वो सारी ताकतें डीएम से हटकर आ जाएंगी पुलिस कमिश्नर के पास। और जब कई राज्यों में इस तरह के पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ तो लोग कोर्ट में भी गए, चुनौती भी है कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पर, बोलिए अभी उन्होंने बोलिए नहीं तो इससे कहिए कैसी बात हम है? कहना चाहते हैं ये जो सारा कानून है अंग्रेजी समय का बना हुआ है, गुंडा कैसे बोल दिया भैया, आप भी तो बोले हैं गुंडे सरकार चला रहे हैं, जब वो बोलेंगे तो जवाब मिलेगा, सैनिक की चिंता ना करो, बोलो आप क्या बात है, मासिक मासिक भी मालिया क्या उखाड़ लिया, फिर पूछो दोनों भाषाएं एक नहीं, अरे बताइए ना क्या उखाड़ लिया, अच्छा चल ठीक है ठीक है, अरे उखाड़ के फेंक दिया, कहां फेंक दिया, बिठा रखा सदन में मंत्री बना के, पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया, तो वहीं बैठे हैं, ठीक है 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 आखिरी समय बचा है, बाकी मेहमानों के लिए बाकी मेहमान जो बचा रहा वो भी उखाड़ के फेंक देंगे, यही है यही था यही लाना चाह रहा था, भाषा वही है, अच्छा ये है टीवी में मर्यादा दिखा रहे थे, जनता बचा कुछ उखाड़ के फेंक देगी, समाजवादी के ही तो थे, अच्छा समाजवादी के ही फैक्ट्री से निकले भाई, ठीक ठीक विवेक शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे बताइए, देखिए वैसे जो अभी भाई साहब ने कहा कि 100 रुपए का 1000 रुपए हो जाता है, केसी जैन साहब ने बताया, तो जा किसकी जेब से रहा है, अच्छा ये तो आम जनता के लिए जनता हो रही है, मान नहीं रही, अब केवल पुलिस कमिश्नरेट केवल कमाऊपूत बन के रह गया है, केवल नहीं नहीं ये बात नहीं है, बात देखिए ऐसा है जैन साहब सुनिए, जैन साहब देखिए मैं कोई राजनीतिक सर मैं बिल्कुल वो पूरा पालन करना चाहिए, पूरा पालन होना चाहिए, लेकिन इस समय पर जो आप देख रहे हैं जो हालात हैं देश के, या इस समय पर जो लोगों के पास व्यापार नहीं है, जो लोगों के काम नहीं चल रहे हैं, रोजगार नहीं है लोगों के पास, और गाड़ी लेके जा सकते हैं, अरे सर मैं उसके नहीं मैं कम मना कर रहा हूँ, उस पर तो तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए, उनको तो जेल भी भेज दीजिए, लेकिन 100 रुपया जो चल रहा था वो 100 रुपए ही रहने देते, आप उनको जेल भेज दीजिए, आप उनको 24 घंटे के लिए भेज दीजिए, कम से कम उनको मालूम रहे कि हाँ कि हाँ 24 घंटे वो अपना जो उन्होंने गलत काम किया वो जेल करा रहे हैं, लेकिन ये जो इस समय पर पैसा जो बढ़ा दिया ये केवल और केवल आप देखिए जैन साहब आप भी रेगुलर निकलते होंगे, आप देखिए चौराहे पर केवल जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो जाम को तो नहीं हटाता, मोबाइल लेकर केवल ये ढूंढता रहता है कौन सफेद लाइन से आगे निकल गया, अच्छा। उसका फोटो खींचा भैया उसका 1000 रुपए पूरा हो गया, अच्छा। और क्या केवल इसी के लिए हाईटेक की गई है पुलिस, क्या इसी के लिए हाईटेक है, अगर हाईटेक किया जा रहा है तो पुलिसिंग भी करवाइए, हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराइए, भाई हम लोग तो क्या चाहते हैं कि हमारे लिए जाम ना मिले, अच्छा। हमारे जहां हम लोग रेजिडेंस एरिया में रह रहे हैं उसके आसपास अतिक्रमण ना हो, हम लोग आराम से इजी वे में सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, अरे सर हमने कम मना करा, जान चली जाए वो ठीक है जैन साहब, आप लेकिन जाम ना मिले, अरे आप समाजवादी पार्टी का गुस्सा हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं जैन साहब, आप अरे अरे आप विवेक भाई का सुनिए, विवेक पांडे जी का गुस्सा विवेक पांडे जी
पे निकालिए, विवेक शर्मा पे मत निकालिए, हम मना नहीं कर रहे हैं भाई, मैं भी गलत निकल रहा, मैं अगर हेलमेट लेकर नहीं, लेकिन आप ये बताइए जैन साहब, मैं हेलमेट लेकर नहीं चलूंगा, मैं हेलमेट लेकर, मैं हेलमेट पहन कर नहीं चलूंगा, मेरा चालान होना चाहिए और ज्यादा हो 4 घंटे जेल में बिठा लीजिए, कम से कम मुझे मालूम है ना, इसकी व्यवस्था से चले ना भाई, आप ये बताइए, इसलिए चालान हो रहा है, आदमी के पास पैसा नहीं है, 100 रुपए पेट्रोल का, गौरव जी मैं समझ रहा हूं, बेचारा नौकरी करने जा रहा है, कहीं मजदूरी करने जा रहा है, ठीक है जैन साहब, मेरी बात पूरी हो रही है, मैं तो जनित की बात कर रहा हूँ, ठीक है बीर भाई, बीर प्रकाश मिश्रा जी जी भाई, आपने सबकी बातें सुनी, आपने कहा कि वास्तव में मौलिक अधिकारों में वृद्धि होनी चाहिए और पुलिस की व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहिए, पर पुलिसिंग में भी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए ही मेरे ख्याल से कमिश्नरेट की सुविधाओं को बढ़ाया जाता है, तो अगर लागू हो रही है तो समाधान और भाई लखनऊ कमिश्नरी में सुविधाएं बता दीजिए, आप क्या बदलाव हुआ है, पहले आपने सुविधाओं का नाम खुद लिया है जी, अभी एक खबर बता रहा हूँ, साकेत कॉलोनी मुजफ्फरनगर में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश दरोगा ने इसलिए की क्योंकि उसको अवकाश नहीं मिल रहा था, अच्छा अब आप बताइए घर का मुद्दा था, पारिवारिक विवाद था, कैसे सुलझाए, आप मुझे बताइए, बॉर्डर स्कीम पे केसी भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जी, अधिकारी क्यों गिरी जनपद में रह सकता है जी, अगर आरक्षी नहीं रह सकता है वो भ्रष्टाचार करता है तो आरक्षी क्यों रहता है, ये बड़े बड़े सिंडिकेट किसके संरक्षण में पनप रहे हैं, ठीक है भाई मुझे तो जवाब चाहिए, मैं तो विपक्ष हूँ, मैं तो खुलकर आलोचना करूंगा, लेकिन तार्किक आलोचना करने की जगह केवल कागजी बयानों से पुलिसिंग नहीं सुधरने वाली है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो यहाँ पर चर्चा थी कि पुलिस कमिश्नरेट की प्रणाली अब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में और लागू होने वाली है, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, प्रणाली से लाभ क्या होगा, व्यवस्थाएं कितनी बेहतर होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, पर अगर कोई प्रणाली लागू होती है तो कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी रहती है तो उसके लिए सुझाव भी जरूरी है, सुझाव और उसके बाद समाधान, विपक्ष की भूमिका हमेशा से रहती है कि कोई भी अगर नई चीज़ होती है तो उस पर हमेशा ही प्रश्न उठाते हैं, पर विपक्ष की एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो संघ में संघ कुछ समाधान भी बताएं, और समाधान बताने के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसके लिए अगर तब भी अगर सरकार नहीं सुनती है, जनता के लिए शोषण हो रहा है, जनता की नहीं सुनी जा रही है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल भी यहाँ पर विपक्ष को ही निभाना पड़ेगा, केवल डिबेट के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घटनाओं की जानकारी देने से काम नहीं चलने वाला है, अगर वास्तव में आपको दर्द है आम जनता का, वास्तव में आपको अपराध से समस्या है, या वास्तव में आप चाहते हो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, तो उसके लिए आप सरकार को चेताइए भी और रोड पर भी आइए, क्योंकि धरातल संघर्ष जरूरी है जो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है, आने वाले में नजर आएगा कि नहीं आएगा ये फिलहाल यक्ष प्रश्न है, फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर व्यवस्था होती है, जहाँ पर समीकरण होते हैं और जहाँ पर युद्ध होता है व्यवस्थाएँ वहीं बदलती हैं, केवल बोलने से व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता, तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।